नमस्कार दोस्तों, पीबीआर स्टडी में आपका स्वागत है। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी का अध्याय 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 का पार्ट 2। 2.4 का पार्ट 1 हो चुका है तीसरे क्वेश्चन तक। पार्ट 2 में हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12x माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, इसका गुणनखंड ज्ञात करने का वैकल्पिक विधि आसान तरीका क्या है कि 12 को 1 में गुणा करिए, 12 एकम 12। ठीक है, अब 12 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि यहाँ प्लस 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 होगा। 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि ऐड करने पर 7 आ जाए। ठीक है, बीच वाला नंबर 7 आ जाए। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 2 4 और 4 3 12। अगर हम 4 3 12 करें और 4 3 करें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 3 आ जाएगा क्या, 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 x। बाकी सारी चीज वैसे लिख लेते हैं, 12 x² और प्लस 1। बस हमें क्या करना है कि 7 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ऐड करने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 1 12 आ जाए। तो 4 3 12 और 4 3 7, हमें वो फैक्टर मिल गया। इसको प्राप्त करने के लिए यही जो 12 1 12 आया, इसी का गुणनखंड कर लेंगे। इन्हीं में से कोई नंबर 2 का पेयर, 3 का एक साथ पेयर बना करके नंबर लाना होगा। आगे देखेंगे और भी समझ में आएगा, देखते हैं आगे। तो 12 x² माइनस, अंदर में गुणा होगा और x से, तो क्या हो जाएगा, -4x और -3x प्लस 1। अब देखिए, -4x -3x -7x हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कहीं गलत हो रहा है। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 यहाँ 4, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 और x, यहाँ क्या बचेगा, 4x कॉमन ले लिए, 1 बचा। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिखता, तो 1 ले लीजिए और -1 लीजिए, जिससे दोनों ब्रैकेट में एक ही नंबर बचे। माइनस लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, +3x और प्लस का माइनस हो जाएगा 1। माइनस लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये देखिए, इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब अगर 3x माइनस 1 खत्म हो गया तो बचा क्या, 4x माइनस 1 बचा, तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरह से इसका गुणनखंड 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड क्या आ गया, 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से करेंगे, बाकी और आगे क्वेश्चन करते हैं, समझते चलते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसके जितने पार्ट हैं हम सारे करवाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला काम क्या करते हैं, इस आगे वाले नंबर को इस पीछे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, x² फिर x फिर अचर पद। तो 3 × 2 = 6। अब 6 को ऐसे गुणनखंड करिए कि ऐड करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 6 और 1 क्या होगा, 6 + 6 = 7, तो हो गया। हम 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 6 + 1 और x + 2x², बाकी सारी चीजें वैसे लिख लेंगे, +3। बस हमने 7 को क्या लिख दिया, 6 + 1, 6 + 1, क्योंकि 6 + 1 = 7 होगा और 6 + 1 = 6 होगा, 2 3 = 6, 2 3 = 6 आ रहा था। तो हम 6 का ऐसा पार्ट करेंगे कि ऐड करने पर 7 आए, तो 6 + 1 = 7 और 6 + 1 = 6 कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो 6 + 1 = 6। चलिए देखते हैं आगे, 2x², ये ब्रेकेट हटेगा, अंदर में x से गुणा होगा, +6x + x + 3। इस बार अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रेकेट के आगे क्या है, प्लस है, प्लस रहता है तो अंदर चिन्ह नहीं बदलता। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 और x, 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर में, x प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, 3, और यहाँ भी क्या कॉमन ले लेंगे,
प्लस वन कॉमन लेने हैं, बचेगा एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए, यहाँ भी ब्रेकेट में वही चीज, यहाँ भी ब्रेकेट में वही चीज, ब्रेकेट में जो बचेगा वही चीज, सेम चीज बचनी चाहिए, तभी हमारा समझ लीजिए सही है, नहीं तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। अगर सही ब्रेकेट में समान नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो अब देखिए, यहाँ पर पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री पूरे में कॉमन हो गया, बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये देखिए टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स प्लस वन बचा, उसको लिख लिए, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, एक्स प्लस थ्री एक ब्रिकेट में और टू एक्स प्लस वन एक ब्रिकेट, ये इसका गुणनखंड है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं, बहुत ही आसान होता है, बस एक बार समझने की बात होती है, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, तो सिक्स और सिक्स छंग छत्तीस, छत्तीस का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि माइनस प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या आएगा, तो गुणनखंड करते हैं, दो से अट्ठारह, दो से नौ, तीन 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 एक, तो इसका गुणनखंड क्या है, दो दो तीन तीन, तो ऐसा इसको बनाइए कि गुणा करने पर छत्तीस आए और जोड़ने घटाने पर पाँच आए। तो अगर हम लेंगे, मान लीजिए दो को एक साथ, दो तीन तीन एक को एक साथ, तीन त्रिकोण दुनिया अट्ठारह, अट्ठारह में से दो माइनस करें पाँच नहीं आएगा। अगर हम लेते हैं दो प्लस दो, दो दुना चार, तीन त्रिकोण चार और नौ लेते हैं, तो देखिए नौ चौक छत्तीस और नौ में से चार माइनस करेंगे पाँच आ जाएगा, बस हमारा यही हो गया। तो हम क्या करेंगे, नाइन में से फाइव माइनस, नाइन में से ये फोर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, और नौ को चार में गुणा कर देंगे हमारे पास छत्तीस आ जाएगा, काम बन गया। नाइन माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स और प्लस आगे लिख लेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, बस इसी को हम कर लेंगे सॉल्व, सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स से अंदर में गुणा हो जाएगा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, 9x में से 4x जाएगा 5x आ जाएगा, यानी हम सही चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6x स्क्वायर 9x कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में हो वही कॉमन है, तो 3 दूनी 6 दो एक्स यहाँ बचेगा, x यहाँ से आ गया 3 यहाँ पे बचेगा प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ भी आपकी कुछ कॉमन दिख रहा है, दो यहाँ भी है दो यहाँ पे, दो कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू कॉमन लिए तो ये माइनस है, अंदर आके प्लस बन जाएगा, तो बचेगा क्या, दो और एक्स और माइनस दो तीन, दो एक्स माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ भी दो एक्स माइनस थ्री, यहाँ भी दो एक्स माइनस थ्री, यही जो ब्रैकेट में जो आएगा वही फिर से कॉमन हो जाएगा, दो एक्स प्लस थ्री कॉमन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस ही होगा, यहाँ पर भी माइनस अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तभी ये सही है, नहीं तो गलत है, हमने माइनस लिख दिया था, गलत है वो, तो फिर से उसको चेक कर लेंगे, टू एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में आ गया और बचा क्या, थ्री एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया आंसर, ये ही इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर और देखते हैं कैसे होगा। तो अब वीडियो को लाइक करिए, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फोर, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फोर है थ्री है, मल्टीप्लाई करिए चार तीन बारह आ गया, बारह का ऐसा पार्ट करिए कि माइनस प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस आ रहा है, यानी माइनस करने पर बारह का ऐसा गुणा करिए कि माइनस करने पर क्या आ जाए, वन आ जाए। तो चार तीन बारह होता है और चार में से तीन माइनस करेंगे वन आ जाएगा, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, चार और तीन, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन आना चाहिए, तो
तो अगर हम 3 में से 4 माइनस करेंगे तभी तो माइनस 1 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 - 4x - 4, 3x² - 1। अब आगे अंदर गुणा हो जाएगा, 3x² - 3x और माइनस प्लस 4x - 4। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक है, हम इसको 4 - 3 करेंगे तभी आंसर आएगा 4 - 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखिए 4x में से 3x माइनस करेंगे, माइनस x आना चाहिए लेकिन यहाँ पे प्लस x आना, यानी हम इसको 4 - 3 करना पड़ेगा। 4 - 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 4x और ये 3x, ठीक है, 4x 3x। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे तो -1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे बचेगा 3x - 4, यहाँ पर क्या कॉमन, -1, 3x + 1, 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4 और इस ब्रेकेट में भी 3x - 4, तो 3x - 4 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, x + 1। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया 3x - 4 एक ब्रेकेट में, x + 1 एक ब्रेकेट में, यही हमारा क्या हो गया, इस गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हम चेक कर लेंगे हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। 4x में से 3x माइनस करेंगे, माइनस x आएगा और यहाँ भी माइनस आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x³ - 2x² - x + 2। अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे सब में क्या था, एक्स स्क्वायर रहता था, लेकिन यहाँ पर x³ आ गई, तो हम इसको नॉर्मल गुणनखंड करके हल नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर शेषफल प्रमेय का असली यूज होगा। तो हमें पता है शेषफल प्रमेय में कि एक्स का कोई मान रखने पर इसका मान जब 0 आ जाता है तो वो इसका एक गुणनखंड होता है। मान लीजिए हम एक्स बराबर क्या रख दें, 1, एक्स बराबर 1 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 = 0, यानी x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अगर एक्स बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा कौन, x - 1। तो आइए देखते हैं 1 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 रखेंगे, 1³ - 2 * 1 हो जाएगा स्क्वायर, -1 + 2, तो 1 - 2 = 2 और -2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो क्या आ गया, -3, क्या गया, 1 - 3 = -2 आ गया, 0 नहीं आया। तो यानी x - 1 इसका गुणनखंड नहीं है।